Hello student, I hope you will be fit and fine. And today we are going to discuss about the poem A Tiger in the Zoo. This is third poem of your class 10th. And in this poem, we are going to understand about the situation of a tiger. एक टाइगर के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे इस पोएम के अंदर कि इस पोएम में किस तरह से एक टाइगर को कंपेयर किया है उसके नेचुरल हैबिटेट में और उसके नेचुरल हैबिटेट के साथ और उसके जब वो केज में होता है तब. सो दिस पोएम इज रिटन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस इज द राइटर ऑफ दिस पोएम. सो this poem has given an appropriate description of a tiger, and this poem contrasts a tiger in the zoo in his cage with the tiger in its natural habitat. As I told you, ki comparison hai ki natural habitat mein wo uska kya situation hai aur wo jab cage mein hota hai tab kya situation hai. So this poem moves from the zoo to the jungle and back again to the jungle. The poet sees a tiger full of rage but quiet when he is in cage, moving in his cage in a starry night. The poet feels that the tiger should have been moving freely in the forest and hunting at his will, but now he is locked in a concrete cell behind the bar, and at night he watches star with his brilliant eyes and the longs for freedom. So this was the short description of this poem, as you can say ki that was summary. So let's see the poem. Let's understand its explanation. He stops in his vivid strips, the few steps of his gaze on pads of velvet white in his white rays. So first of all, difficult words dekhte hain aur uske meaning bhi. Stalks. Stalks means walk with pride. Jab hum garv se chalte hain, walk with प्राइड, गर्व से चलना, प्राउड से चलना, ठीक है. एंड विविड मीन्स क्लियर, विविड मीन्स क्लियर. सो ही स्टार्ट्स इन हिज विविड स्ट्रिप, वो क्लियर, उस वो धारियों वाला है, स्पष्ट जो स्ट्रिप्स हैं, जो धारियां होती हैं वो स्पष्ट धारियों वाला है. और द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, वो चलता है, गर्व से चलता है अपने पिंजरे में, गर्व से अपने पिंजरे में चलता है. उन पैड्स ऑफ वोल्वेट, वोल्वेट क्या होता है, एक मखमली कपड़ा होता है, ठीक है, सॉफ्ट क्लोथ होता है, बिल्कुल मुलायम होता है, सॉफ्ट क्लोथ. उन पैड्स ऑफ वोल्वेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज गुस्से में, वो खामोश गुस्से के साथ, क्वाइट रेज अपना गुस्सा, एंगल यहाँ पे गुस्से के लिए इसको यूज़ किया गया है, अपने खामोश गुस्से के साथ और अपने वोल्वेट क्वाइट के साथ, अपनी शांति के साथ उस पिंजरे में चलता है. ही इज़ यूज हेयर फॉर द टाइगर, टाइगर के लिए यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है कि टाइगर उस कॉन्क्रीट सेल के पीछे है, उस बार के पीछे है, उसे वो गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं उसे शांति भी है, ठीक है. वो एक शांति भरे एक गुस्से के साथ और अपने शांति के साथ, चुपचाप खामोशी के साथ कुछ कदम उस पिंजरे में चलता है, ठीक है. नेक्स्ट, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. सो हेयर लर्किंग, लर्किंग मीन्स हाइड या छुपना, हाइडिंग, लर्किंग मीन्स छुपना. एंड स्लाइडिंग मीन्स वॉकिंग विद ईज, वॉकिंग विद ईज मीन्स आसानी से चलना, ओके. एंड प्लम्प, प्लम्प मीन्स फैटी या फैट या मोटा. तो जैसा कि हमने फर्स्ट लाइन में देखा, तो यहाँ से फर्स्ट लाइन में हमें वी आर क्लियर हेयर कि किसी यहाँ पे जो टाइगर है वो केज में है, पिंजरे में है, ठीक है. और जब हम इन लाइन्स को पढ़ते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे वो फॉरेस्ट में है, जंगल में है, ठीक है. यहाँ पे जो टाइगर है वो जंगल में है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज लाइन. ही शुड लर्किंग इन शेडो, उसे छाया में छुपके बैठना चाहिए. क्यों छुपके बैठना चाहिए? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो लंबी लंबी घास होती हैं, जो
भरी भरी घास होती हैं वहां से उसे धीरे धीरे निकलना चाहिए। नियर द वॉटर होल, कहाँ पे? उस पानी के होल के पास, उस पानी के सोर्स के पास, उस पानी के सोर्स के पास जहाँ पर वेयर पर्म डियर पास, जहाँ पर मोटे ताजे जो डियर हैं गुजरते हैं। क्यों? अब यहाँ पे मतलब क्या है कि जो टाइगर है, टाइगर को शिकार करना चाहिए डियर्स का, क्योंकि एक जो टाइगर जब जंगल में होता है वो अपनी मनमर्जी का मालिक है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके पास से गुजर रहा है कौन नहीं, बल्कि जो सामने वाले होते हैं वो उससे डर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि उसे घात लगा के बैठना चाहिए और लंबी लंबी जो घासें हैं उनमें से पानी के एक छोटे से सोर्स के पास जहाँ से हिरन है, जहां पे डियर्स हैं वो गुजरते हैं, ताकि वो उनका शिकार कर सके। ठीक है, तो यहां पे ये बात हो रही है कि जब जो टाइगर है जंगल में है और यहां पे जब टाइगर केज में है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बारिंग विच वाइट फैंग्स हिज क्लास टेररिजिंग द विलेज। ओके, सो हियर द वर्ड स्नैलिंग, स्नैलिंग मीन्स दहाड़ना, ग्रोल करना। जो टाइगर दहाड़ता है, स्नाल करता है। ठीक है, एंड एज मीन्स किनारा या मार्जिन आप कह सकते हो। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स क्या होता है? सबसे पहले बेयरिंग, बेयरिंग मीन्स टू शो, दिखाना, शोइंग। फैंग्स होते हैं दांत, ठीक है, टीथ, जो नुकीले शार्प टीथ होते हैं उसको फैंग्स बोलते हैं। हिज क्लास टेररिजिंग, टेररिजिंग डराना, फ्राइटनिंग द विलेज। सो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस लाइन, लेट्स सी। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेस, कि उसे स्नाल करना चाहिए, गुर्राना चाहिए अराउंड द हाउसेस, घरों के पास। कौन से घरों के पास? एट द जंगल्स एज, उन घरों के पास जो जंगल के किनारे पर हैं, यानी जंगल के किनारों पर, या जो जंगल हैं उनके किनारों पर जो आसपास घर बसे हुए हैं उसे वहाँ दहाड़ना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट टीथ्स हिज क्लास, उसे अपने गांव, यानी जो गांव वाले हैं, उसे गांव वालों को अपने जो वाइट फैंग्स हैं, दांत हैं, सफ़ेद दांत हैं और जो क्लास है, पंजे हैं, उसे दिखाकर डराना चाहिए। यानी जो गांव के लोग हैं, गांव में जो आसपास घर बसे हुए हैं जंगल के आसपास, वहां लोगों को अपने दांत और अपने क्लास दिखा के लोगों को वो डराए, ताकि अपनी दहशत उनमें दिखाए, कोई उस टाइगर के सामने किसी की हिम्मत ना हो बोलने की या सामने आने की। ठीक है, यानी कि वो एक राजा है वहां पर, और जब जहां पे सब उससे डरते हैं, ठीक है, एक पावरफुल एक पर्सनैलिटी के साथ यहाँ पे उसको दिखाया गया है इन लाइंस के अंदर टाइगर को, कि वो जब जंगल में है तो जंगल में उसे कैसे रहना चाहिए, किस तरह शिकार करना चाहिए और किस तरह से जान जो बसे हुए हैं, घर बसे हुए हैं वहाँ पे उन लोगों को डराना चाहिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। देखिए, अब यहाँ पे जो ये बात हो रही थी, ये फॉरेस्ट में, अब ये जंगल के बारे में बात थी यहाँ तक। अब जो बात आ रही है वो कहाँ पे है? फॉरेस्ट में, कि वो जब जंगल में है तब। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, कि अब जो है वो एक कॉन्क्रीट सेल में बंद है। ठीक है, अब वो एक कॉन्क्रीट सेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी जो सारी ताकत है, उसकी सारी जो मजबूती है, वो इन सलाखों के पीछे है, इन बार के पीछे छुप गई है, क्योंकि अब वो एक कैदी की तरह है वहाँ पे। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टाकिंग मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को चलना, ठीक है, किसी चीज़ को नापना, जैसे धीरे धीरे चलना। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ केज, इग्नोरिंग विजिटर, अब वो उस केज में, उस पिंजरे में चलता है। अब वो उसकी जो पावर है सलाखों के पीछे है, वो पिंजरे की पूरी जो स्ट्रेंथ है उसमें चलता है। अगर सिर्फ इतना पिंजरा है तो उसकी जो रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही रहेगी, वो यहाँ से यहाँ तक चलता है, यहाँ से यहाँ तक चलता है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, और जो जू में जितने भी विजिटर आते हैं उनको इग्नोर करता हुआ वहाँ पे रहता है। He hears the last voice at night. वो last voice सुनता है, आखिरी आवाज़ें सुनता है, किस चीज़ की? The patrolling car, जो whistle के लिए, जो गश्त करने के लिए जो cars आती, गाड़ियाँ आती हैं, उनकी last voice सुनता है रात को। And stares with brilliant eyes, और अपनी चमकदार आँखों से, stares means looks, देखना, ध्यान से देखना, तो वो अपनी चमकदार आँखों से देखता रहता है at the brilliant star, उन चमकदार सितारों को, यानी कि रात को जब पेट्रोलिंग के लिए जो कार आती है उनकी वो आखिरी आवाज़ सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से चमकते हुए सितारों को देखता रहता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पोएम, सितारों को, यानी कि रात को जब
पेट्रोलिंग के लिए जो कार आती है उनकी वो आखिरी आवाज़ सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से चमकते हुए सितारों को देखता रहता है। ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम, कि जब वो केज में होता है, पिंजरे में होता है, कि उसकी सारी स्ट्रेंथ कहीं कहीं चली ही जाती है, और जब वो जंगल में होता है तो किस तरह से अपनी मर्जी का मालिक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप यू गॉट क्लियर एवरीथिंग।